कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। सबसे पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे कल वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए कल वाले वीडियो पे। और हमने जो कल प्रोडक्शन वाले पेपर का, आज के पेपर का एनालिसिस किया था गाइज, उसमें 60% और 70% हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे जो मैंने आपको बताया था। ओके, तो आज के गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पेपर आपका कल होना है, और कल गाइज आपका पेपर है F&B सर्विस और फाउंडेशन कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस थ्योरी, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है BHA 103। ओके, अगेन आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं, तो हम शुरू करेंगे सिलेबस के साथ। ओके, ये रहा आपका सिलेबस। मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो ये नया सिलेबस है गाइज, जो हमारा पुराना सिलेबस होता था उसका जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेम का सिलेबस है उसको मिक्स करके ये सिलेबस बनाया हुआ है। इसलिए मैं जो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कल पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको जो पहले फर्स्ट सेम का पेपर आता था, सेकंड सेम का पेपर आता था, वो दोनों पेपर मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज पर सिलेबस, जो आपका ये सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस आपसे कल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो, है ना। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको पेपर के बारे में तो नहीं बताऊंगा कि पेपर की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, आज आपको मालूम पड़ गया होगा 60 मार्क्स का पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन ए बी एंड सी तीनों आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हमारा सिलेबस है और इसकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, है ना। तो यहाँ से आपके आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन द इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ओके, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, है ना। टाइप्स ऑफ F&B ऑपरेशंस, यहाँ से क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस 100% है वो है आपका टाइप्स ऑफ कैटरिंग। ओके, तो जैसे यहाँ पे सिलेबस में रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल वेलफेयर कैटरिंग, है ना। वेलफेयर कैटरिंग से क्वेश्चंस गाइस मैं हमेशा देखता हूँ कि आपके पेपर में आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आज मैंने आपके लिए अगेन 2019 का पेपर लाया है, है ना। और यहाँ पे देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इन अ टेबुलर फॉर्म क्लासीफाई केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ड्राफ्ट होता है। और देखो यहाँ पे और में ऑप्शन दी हुई है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलफेयर कैटरिंग, है ना। और ये दोनों ही टॉपिक हमारे सिलेबस में है। देखो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरिंग एंड वेलफेयर कैटरिंग, तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। वेलफेयर कैटरिंग तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे पूछा जाएगा। ओके, देन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये नई चीज ऐड की गई है। तो इंडियन जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है, अतिथि देवो भव, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, है ना। देखो आगे लिखा है ओवरव्यू ऑफ F&B सर्विस इन इंडिया। ऑलराइट, तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और आपने देखा होगा कि पेपर कितना इजी आ रहा है और आपको बहुत ऑप्शंस मिल रही हैं, है ना, आपको मतलब चॉइस बहुत मिल रही है। अगर आपको ए पार्ट नहीं आता है आप बी पार्ट कर सकते हैं, है ना, तो चॉइसिस आपके सामने बहुत सारे रहने वाले हैं। देन जो हमारी सेकंड गाइज यूनिट है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग, तो अगेन मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कहूंगा, जो हायरार्की है, ओके, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो यहां से पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आपके जो F&B आउटलेट्स हैं बहुत सारे इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, कॉफी शॉप क्या है, कैफेटेरिया, फास्ट फूड, QSR जिसको कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं, ग्रिल रूम, बैंक्वेट्स, बार टाइप्स, पब्स, परमिट रूम्स, वेंडिंग मशीन्स, नाइट क्लब्स, डिस्कोथेक्स, कैसिनोज, पेस्ट्री शॉप्स, जितने भी ये आप यहाँ पे ये टर्म्स सुन रहे हैं, ये आपके गाइस जो सेक्शन ए है जहाँ पे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, वहां पे 2 नंबर के भी हो सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि जो आज पेपर आया था कल भी उसका सेम फॉर्मेटिक रहेगी, वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जितनी भी टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से ये टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारी टर्म्स आपने एक बार पढ़ लेनी है।
देन उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका हायरार्की। और हायरार्की यहाँ पे क्या है, देखो इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है फ्रेंच, इंग्लिश एंड अमेरिकन। आपने पढ़ा होगा फ्रेंच में अलग नाम आएंगे आपके रेस्टोरेंट मैनेजर के, कैप्टन के, सीनियर कैप्टन के, देन इंग्लिश में अलग उनके नाम होते हैं और अमेरिकन में अलग। वो तीनों चार्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। प्लस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एफ एंड बी स्टाफ, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और किसी भी एफ एंड बी स्टाफ की आपसे ड्यूटी पूछी जाएंगी। एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड वेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, ये देखो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड वेटर, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। देन एक्सप्लेन डिफरेंट ऑपरेटिंग आउटलेट्स इन एफ एंड बी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ ए लार्ज होटल। ओके, तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग जो आउटलेट्स हैं ये वो ही हैं जो हमने यहाँ देखे, ये ऊपर जो सेकंड उन्होंने तो आपका ये एफ एंड बी आउटलेट्स लिखा है, जितने भी आपके यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है ना। तो सेकंड यूनिट का क्रक्स क्या हो गया, सारे एफ एंड बी आउटलेट्स प्लस हायरार्की, फ्रेंच, इंग्लिश एंड अमेरिकन, ये तीनों याद कर लेना। प्लस ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एफ एंड बी स्टाफ, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड वेटर एंड इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। एफ एंड बी जो हमारा डिपार्टमेंट है वो होटल में बाकी डिपार्टमेंट से कैसे डील करता है, ड्राफ्टिंग कैसे हो सकती है, जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन फॉर एफ एंड बी सर्विस, है ना, बहुत सिंपल है। तो ये आपने एक बार देख लेना है। फिर हम मूव करते हैं हमारी थर्ड यूनिट विच इज एफ एंड बी सर्विस इक्विपमेंट। आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर, फ्लैटवेयर, हॉलोवेयर एंड ऑल अदर इक्विपमेंट, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट इनको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, तो सारे टर्म्स को याद करना तो मुश्किल है लेकिन जो बहुत कॉमन टर्म्स हैं आपका एपी स्पून, एपी फॉक, एपी नाइफ, फिश नाइफ, है ना, प्लेट, डिनर प्लेट, साइड प्लेट, है ना, ये जितने भी आपकी बहुत कॉमनली यूज जो हमारी कटलरी क्रॉकरी होती है उनके फ्रेंच टर्म्स भी याद कर लेना, चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। नेक्स्ट है आपका मील्स एंड मेन्यू प्लानिंग। तो मेन्यू प्लानिंग देखो यहाँ पे पहले ये सेकंड सेमेस्टर में होता था, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। ये सेकंड सेम का पेपर है पुराने वाला, तो ऐसे आएगा देखो एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मेन्यू। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मेन्यू जो है आपके अलाकार्ट, ताबले दी हो तो आपने पढ़े होंगे TDH, है ना, वो आपने छोड़ने नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देन ओरिजिन ऑफ मेन्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन्यू, मेन्यू बनाते क्यों है भैया, है ना, क्या उसका मतलब है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ मेन्यू मैंने आपको बता दिया, मिज़ा सा एंड मिज़ा प्ला, है ना, या मिज़ा एंड मिज़ा प्ला, ये आपको पता होगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ आ सकता है ना। कोर्सेज, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू, अगेन ये पहले सेकंड सेम में होता था, अभी इन्होंने फर्स्ट सेम में डाल दिया है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू से क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ओके, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक्सप्लेन द कोर्सेज ऑफ फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू विद रेलेवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम ईच कोर्स। और ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि ये 15 मार्क्स में भी आ सकता है, और वो स्पेसिफाई भी कर सकता है कि 11 कोर्स मेन्यू, 13 कोर्स मेन्यू या फिर 17 कोर्स मेन्यू। तो बेस्ट क्या है कि आप 17 कोर्स मेन्यू याद कर लो, अगर 13 और 11 पूछा जाएगा तो आप उसमें से आराम से लिख सकते हो विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ओके, तो FCM बोलते हैं उसको, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, है ना। सीक्वेंस, देन आपका टाइप्स ऑफ मील्स, है ना, मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ब्रंच, है ना, जो तो आपने पढ़े होंगे। देन उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रेकफास्ट में आपका इंग्लिश, अमेरिकन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन बफे, ब्रंच, लंच, है ना, ये सब, डिनर, सपर, या देखो मैंने अभी सपर कहा था, तो ये सारे टाइप्स ऑफ मील्स में आते हैं एक्चुअली, तो टाइप्स ऑफ मील्स आपने पढ़ लेना है। ओके, देन फोर्थ हमारी यूनिट है डाइनिंग सर्विसेज, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। और टाइप्स ऑफ सर्विस में क्या आता है आपका, सिल्वर सर्विस, प्री प्लेटेड सर्विस, कैफेटेरिया सर्विस, रूम सर्विस, बफे सर्विस, है ना, गैरिडॉन सर्विस, जितने भी टाइप की सर्विसेज होती हैं ये आपने एक बार पढ़ लेनी है। रशियन सर्विस, इंडियन फॉर्म ऑफ सर्विस एंड ओरिएंटल सर्विस, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है और 15 का भी आ सकता है, वो हम गैस नहीं कर सकते, पर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ओके, और जो आपकी लास्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसा आता है अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना, ये देखो डिफरेंट, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट,
है ना, ऐसे यहां से क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद है ना, देखो मैंने कहा मीजा प्ला एंड मीजा सा, ये देखो एक्सप्लेन मीजा प्ला एंड मीजा सा, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, सेम ऐसे आ सकता है ना। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग ऑफ मेन्यू मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन्यू, क्यों बनाते हैं मेन्यू, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑल राइट और उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है गाइस सेल कंट्रोल सिस्टम, और इसमें मेन टॉपिक है KOT BOT है ना, किचन ऑर्डर टिकट बिल, बार ऑर्डर टिकट, बिल कंट्रोल सिस्टम, मेकिंग बिल, कैश हैंडलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रेस्टोरेंट कैशियर। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ये देखो BOT, व्हाट इज BOT, शॉर्ट में पूछ लेगा आपसे है ना, देन आपसे पूछ लेगा वो देखो लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ KOT, पढ़ा होगा आपने ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट, ओके तो एंड देन देखो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन ट्रिप्लीकेट KOT सिस्टम कंट्रोल, है ना। तो ये आपकी लास्ट यूनिट से ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और ये देखो पहले टेक्निकल टर्म्स ऐसे आते, जब आपका 100 नंबर का पेपर होता था तो ऐसे वो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स पूछते थे, अभी भी ये टर्म्स आपके सिलेबस में हैं, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है यहाँ से 1000 टेक्निकल टर्म्स बन सकती हैं। तो अगर आपको मेन मेन सब्जेक्टिव नॉलेज रहेगा तो ऑब्जेक्टिव तो आप बहुत ईजिली गाइज कर पाओगे। ओके तो ये हमारा कल के पेपर के लिए थोड़ा सा एनालिसिस था। पेपर आपको मैंने लास्ट ईयर के SAM 1 और SAM 2 दोनों के पेपर दिखा दिए, ओके एंड होपफुली कि जो हमने डिस्कस किया है वैसे ही क्वेश्चन कल भी ड्राफ्ट होंगे, और पेपर कैसा ड्राफ्ट होगा आपको मालूम पड़ गया होगा। ऑलराइट तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, है ना, इसको लाइक करिए, और इसको जो आपके जितने भी आईटीएम्स में फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करिए। ऑलराइट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट पेपर एनालिसिस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर।